नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। तेज बिजली की गर्जना के साथ बारिश पड़ने लगी है, जिसके चलते चारों ओर कोहरे की चादर छाई हुई है। स्कूल के बच्चों को भी आने जाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण आमने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जनपद नैनीताल से कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। मौसम के मिजाज बिगड़ने से ठंड भी पड़ने लगी है। बारिश पड़ने से कई राज्यों पर पहाड़ों से पत्थर के लुढ़कने का भी डर बना हुआ है। रास्ते बाधित हो जाते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने कई जगहों पर जेसीबी मशीन को खड़ा किया है। जैसे मार्ग अवरुद्ध हो तुरंत युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। बारिश के चलते नाले उफान पर है। बारिश का पानी नालियों के चौक हो जाने से सड़कों पर बह रहा है। बिजनौर डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर नजर आई है। हादसे में एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के सिटी डिग्री कॉलेज के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। तो बिजनौर का एक पूरा मामला है, जहां पर डीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तिलोई आएंगे और एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्य मंत्री मयंकेश्वरन सिंह के छोटे भाई अभिषेक शरण के त्रयोदश संस्कार में शामिल होंगे। आज दोपहर 2 बजे लखनऊ से हेलीकॉप्टर से राजभवन तिलोई पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रयोदश संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। फरुखाबाद में कमीशन के लालच में आशा कार्यकर्ती प्रसूताओं और बच्चों की जान ले रही है। योगी सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी अस्पताल की जगह कमीशन के चक्कर में प्रसूताओं को निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा रही है। बता दें कि यहां पर एक फरीन नाम की महिला, जो कि कुंवरपुर कायमगंज की निवासी है, जिसको प्रसव पीड़ा होने पर आशा ने निजी अनुपम नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। प्रसव के बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि आशा शबाना ने कमीशन के लालच में उसकी पत्नी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। आशा शबाना की लापरवाही से उसके बच्चे की मौत हो गई। आशा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। मामला कोतवाली कायमगंज के अनुपम नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। ललितपुर के बिरथा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बिरारी का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक का संदिग्ध अवस्था में कुएं में शव मिला। बताया गया कि युवक से गांव के ही 3 युवकों से शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान मारपीट गाली गलौच होते समय अपने को बचाते हुए भागने में धोखे से कुएं में गिर गया, लेकिन शरीर पर चोट का निशान होने से मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि मामला तीनों लोगों के खिलाफ पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। राजी में जो घटना हुई है, उसकी सूचना रात में मुझे मिली थी। मैं भी मौके पर गया था। प्रथम दृष्टया मुझे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था कि कोई उसको धक्का दिया है, लेकिन फिर भी इसमें मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो सत्यता होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जौनपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गल्ला मंडी के फर्ट पर रखा आधा दर्जन नमक की बोरी को कार सवार चोरों ने पार कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली के चंद कदम की दूरी पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। आतंकी हमले में पुलवामा में शहीद हुए सूबेदार विनोद कुमार सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। रात करीब 2 बजे शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन करने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धनपाल सिंह, जनपद के सभी विधायक और सांसद रहेंगे मंत्री के साथ, और आज शहीद जवान अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पाल सिंह और पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धनपाल सिंह अब से कुछ ही देर में शहीद विनोद कुमार सिंह के विधिक गाँव स्थित बने घर में शामिल होंगे। और कायमगंज तहसील के विधिक गाँव के रहने वाले थे शहीद विनोद कुमार।
अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सकतपुर के जंगल में मुखबिर सूचना पर सैद नगली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश उमर को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस मुठभेड़ में आरोपी बदमाश के गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज थाना सैद नगरी टीम जो भ्रमण थी अपने क्षेत्र में, उनको एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखा। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ से सामने से ये व्यक्ति सामने से आता है और अपनी तरफ से फायर करना शुरू कर देता है। पुलिस जब उसके पीछे भागने की कोशिश करती है तो इसकी तरफ से 2 फायर हुए हैं सामने। उसके बाद में पुलिस जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी एक फायर हुआ है। हमारे सिपाही को एक हमारा सिपाही घायल हुआ है, जिसको गोली लगी है बाएं तरफ, और जो ये व्यक्ति है इसके भी पैर में गोली लगी है। जब पास में पुलिस पहुंचती है इसके बाद में, तो इससे एक बाइक बरामद हुई, एक तमंचा बरामद हुआ 315 बोर का, और 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस। इसकी जब शिनाख्त करवाई गई तो ये व्यक्ति 1 लाख का इनामिया है हमारे थाना हसनपुर क्षेत्र का, जो मर्डर था 2018 में हुआ था। कन्नौज के रसूलाबाद बवाल में पुलिस ने 17 लोगों को दबोचा है। धार्मिक स्थानों में तोड़फोड़ और आगजनी में 17 गिरफ्तार किए गए हैं। एक पक्ष से 8 और दूसरे पक्ष से 9 गिरफ्तार किए गए हैं। सीओ शिवप्रता सिंह ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी बवाल करेगा। अभी कई और उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तालग्राम थाना क्षेत्र के रसूलाबाद में मंदिर में मवेशी अवशेष फेंके जाने के बाद ये बवाल हुआ था। बिजनौर में विद्युत पोल पर लगे बॉक्स में भीषण आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मोहल्लेवासियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। सूचना नहीं देने पर भी विद्युत विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचे। थाना कोतवाली शहर के पैदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर की तस्वीरें, जहाँ पर ट्रांसफार्मर के बॉक्स में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। सूचना मिलते ही आसपास के जो लोग हैं वो आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मुरादाबाद पगबाड़ा में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी झोलाछाप डॉक्टर्स में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। झोलाछाप डॉक्टर चंद पैसों के लिए बेखौफ होकर मासूमों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर चंद पैसों के लिए मासूम की जान लेने तक से परहेज नहीं करते, क्योंकि इनको ना तो स्वास्थ्य विभाग का डर है और ना ही पुलिस प्रशासन का। मामला पगबाड़ा थाना क्षेत्र के समाथल गाँव का है। गाँव निवासी झोलाछाप महिला डॉक्टर उमिला अपने घर में ही जच्चा बच्चा केंद्र संचालित करती आ रही है। शनिवार की रात पगबाड़ा पुराने थाने वाली गली निवासी मोहसिन अपनी पत्नी को लेकर उर्मिला के जच्चा बच्चा केंद्र पहुंचा, जहां पूरी रात गलत तरीके से नॉर्मल डिलीवरी के प्रयास में नवजात शिशु की जान चली गई। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि सिजेरियन डिलीवरी को नॉर्मल बताया गया। पीलीभीत के थाना सहरामऊ उत्तरी पुलिस टीम के फरमान हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि पिता पुत्र ने नाजायज संबंधों के चलते फरमान की हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। सहरामऊ पुलिस के इस स्थानीय कार्य की लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है। हरदोई की कछौड़ा और पाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच टीम के साथ चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद कर 4 शातिर अंतर्राज्यीय 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ये लोग राजस्थान के जयपुर और अन्य जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करके कम कीमत पर हरदोई आसपास के जनपदों में बेचते थे। गिरफ्तार चोर वाहन चोर जनपद हरदोई के पाली के ही निवासी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।